हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके साथ करौंदा की अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। वैसे तो अचार हेल्दी नहीं होता है, बट करौंदा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सबसे पहले इसे मैंने धुल लिया है और धुल के पंखे की हवा में इसे सुखा लिया है ताकि इसका सारा ऊपर का मॉइस्चर हट जाए। अब इसे मैं इस तरीके से कट करके इसके सारे बीज को अलग कर दूँगी। तो याद रखिए, करौंदा जब भी आप काटें, इस तरीके का करौंदा नहीं होना चाहिए। करौंदा बिल्कुल सख्त होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके के करौंदे हम हटा देंगे जो लाल और पक चुके हैं, और ये जो कच्चे करौंदे हैं ना और सख्त हैं, हम इसे ही कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे करौंदों को कट कर लेंगे और इसे सारे बीजों को नाइफ़ की हेल्प से निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे करौंदों को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। इसका बीज ना थोड़ा कसैले लगता है, इसलिए ज़रूर निकाल दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सुखा लेंगे। तो जब भी आप अचार बनाएं ना, तो धूप में ही सुखाएं, तो हमारा अचार काफ़ी दिनों तक ऐसे ही बना रहता है, मीन्स अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता। तो इसे मैं धूप में सुखा लूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। और अब अगला प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले रखी है, इसे मैंने फ्लेम पे रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम अजवाइन, 1/4 चम्मच डालेंगे मंगरेला, 1 चम्मच डालेंगे इसमें साबुत मस्टर्ड के सीड्स, मीन्स सरसों के दाने, और साथ ही में आप मेथी ऐड कीजिएगा। मैंने मेथी नहीं ऐड किया है, तो मेथी ना मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि थोड़ा कड़वा लगता है और मैं अचार थोड़ी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो मेथी ज़रूर ऐड कीजिए। तो इसे मैंने लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसमें से अच्छे से खुशबू आ रही है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले और डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल वाली मिर्च, तीखी मिर्च मैंने ऐड की है, और आधी चम्मच से भी कम इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और अचार में ना नमक आप हल्का सा ज़्यादा ही रखा कीजिए, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है और काफ़ी दिनों तक अचार अच्छा बना रहता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई ले रखी है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो अचार जब भी आप बनाएं सरसों के तेल में बनाए, तो यहाँ पर देखिए जब तक वो गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंने सारे करौंदों को इस तरीके से सुखा लिया है, इसका सारा मॉइस्चर हट गया है। इसी तरीके से आपको सुखा के लेना है। अब धुआंधार तेल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा हम कर लेंगे ठंडा। तो यहाँ पर देखिए, ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इसमें पंचफोरन का तड़का दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट मसाले डाल दूँगी। और यहाँ पर जो पिसा हुआ मसाला था ना, वो सारा ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे ऑयल के साथ हम इस तरीके से स्टर करते हुए मिक्स कर देंगे। तो ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला और बढ़िया से खुशबू दे रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे सारे करौंदों को, और गैस की फ्लेम ऑफ रखी है मैंने। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आपको ऑन नहीं करना है, बस ऑयल गर्म होने तक ही गैस को ऑन रखिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से करौंदों के ऊपर लग जाएँ। अब यहाँ पर देखिए, ये रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे सिरका, क्योंकि कोई भी अचार बिना सिरके के अधूरा है। तो यहाँ पे मेरे पास जामुन का सिरका था, तो मैंने वो ऐड कर लिया। आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है, और ये ना सिरका कच्चा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑन करूँगी। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया और फ्लेम मीडियम करके इसे हम 30 सेकेंड के लिए इसी तरीके से लगातार स्टर करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही कीजिएगा। और इसे देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर अचार हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक जार लिया है, और जार को अच्छे से धुल के सुखा कर ही लीजिएगा, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। अब इसमें मैंने गरम करके ठंडा किया हुआ तेल ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और अब इसमें हम अपने अचार को डाल देंगे। और इसे ना तीन से चार दिन आप धूप में दिखाएंगे ना, तो अचार हमारा बहुत ही बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, और ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। तो बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा हमारा ये अचार बन के हो गया है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अब इसे आप आराम से दाल चावल के साथ, किसी पराठे पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।